अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज ही हम करने वाले हैं डीजल पेट्रोल, जो डीजल इंजन है हमारा उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज उसको जो खेत को पानी देना है, तो क्योंकि बारिश के बाद हम पहला पानी दे रहे हैं मिर्च की फसल को, उसको खाद वाद देनी है। और अभी हम लेने जा रहे हैं डीजल। तो मैंने भी कुछ बहुत ज़्यादा दिन हो गए ब्लॉगिंग में वैसी तरह नहीं कर रहा, टाइम पर अपलोड नहीं हो रही यार, क्योंकि मैं मसरूफ़ होता हूँ, वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाता। तो आज ही टाइम हो रहा है, कितने का टाइम, 10:30 बजे का हो रहा है। तो हंस रहा है, टाइम जी 8:30 बजे का हो रहा है। तो अभी हम लेने जा रहे हैं डीजल। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं जी पेट्रोल पंप पर, लेने जा रहे हैं डीजल। ये पड़ा हुआ है हमारा डम, तो उठा उसको। तो जी चलते हैं पेट्रोल पर। हाँ पता है डीजल इंजन है। तो हम इसको 3 महीने हो गए डीजल इंजन स्टार्ट नहीं किया, तो चलते हैं जी देखते हैं कैसे इंजन स्टार्ट होता है और चलते हैं जी। तो जी हम जा रहे हैं अभी पेट्रोल पंप पे, देखते हैं क्या क्या होने वाला है और कितने ज़्यादा पेट्रोल मांगा है, देखते हैं जी। अभी हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल डीजल लेने के लिए, डीजल लिखा हुआ है। तो अभी हम जी हमारा जो करीबी स्टाफ है वहीं पर आ गए हैं डीजल डलवाने के लिए। तो जी ये स्टाफ है हमारा, यहाँ पर देखो जी, तो भाई साहब आ रहा है डीजल डलवाने। देखो कितने का डलवाएंगे डीजल, 2000 का? 2000 का नहीं होगा पूरा, कम से कम कितना होना चाहिए, 10 लीटर तो होना चाहिए, 10 लीटर तो कम से कम होना ही चाहिए। फिर देखते हैं, मेरे ख्याल में हो जाएगा ये कोई 8-9 लीटर ही खपेगा यार, 2 घंटे चलेगी। तो ये हम डलवाते हैं, वो आ रहा है। कितने लीटर पे वाला है आजकल? 252 रुपये लीटर चल रहा है ये डीज़ल। तो जी अभी हमने डीजल वीजल सारा कुछ ले लिया है, डीजल भी हमने, मैंने आपको दिखाया था जो हमारी करीबी जो स्टाफ था वहीं से हमने डीजल भी ले लिया। और अभी हम करने वाले हैं जो हमारे डीजल इंजन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो 3 महीने हो गए, 3 मंथ हो गए, 3 मंथ के बाद हमने एक बार भी मशीन को स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि पता नहीं उसमें पानी भी चला गया होगा, कुछ भी सारा कुछ हो सकता है। तो देखेंगे क्या होता है। वो बंदा ना, मेरा डीजल बंदा लेने जा रहा है, वो लेकर जा रहा है। तो चलते हैं जी डीजल इंजन, देखते हैं स्टार्ट होता है क्या, होता है क्या प्रोसेस होता है। और जो मैंने ट्राईपोड एक और लिया है वो भी मेरा आ गया है, वो आज मैं उस ट्राईपोड पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी बताइएगा ट्राईपोड पर मेरी वीडियो कैसे बन रही है। तो मुझे तो मज़ा आ रहा है, अब मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई, अगर मैं दौड़ते भी जाऊँगा तो व्लॉग बनाने में इतनी ज़्यादा मुझे मुश्किल पेश नहीं आएगी। डीजल लगाया जा रहा है, ये देखकर ये देसी नुस्खा डीजल डालने का। तो अभी यहाँ पर देखें घास सारा बहुत ज़्यादा हो गया है, और पानी देखें आप, बारिश का पानी कितना ज़्यादा गंदा पानी हो गया है। तो अब यहाँ पर देखें डीजल इंजन, ये हमारा सेम वही डीजल इंजन है, हमने 3 मंथ हो गए कोई स्टार्ट नहीं किया। तो आप देखें सारा हुलिया ही चेंज हो गया है सारा कुछ, यहाँ पर चेक करो घास वास बहुत ज़्यादा हो गया है, ये चेक करो ये, तो घास तो बहुत ज़्यादा हो गए ये बंदे हैं। नहीं जो हमारा जो डीजल इंजन का जो भी सामान वामान है वो उसका भी हमें पता नहीं चल रहा, वो भाई साहब ना ढूंढ रहा है, ये देखो ढूंढने जा रहा है। तो वो जा रहा है, वो ना ढूंढने जा रहा है, इसको पता नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा भाई। ये देखो अभी ना खेत में ढूंढ रहा है, इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा, इनको कुछ भी हासिलत नहीं होगा, क्योंकि 3 मंथ हो गए, 3 मंथ में इनको कुछ भी पता नहीं है ना। तो नो बता, वो ना वो बंदा मेरा जा रहा है जी, वो चेक करो वो जा रहा है। तो आज हम कर रहे हैं जी 3 मंथ के बाद कुछ भी पता नहीं चल रहा, जो भी डीजल इंजन के जो भी सामान वगैरह है उनका कोई पता नहीं चल रहा। तो अभी जी टाइम हो रहा है, मैंने व्लॉग किया था 10:30 बजे स्टार्ट, तो अभी 11:30 का टाइम हो रहा होगा। क्या है वो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास नहीं है, गुम हो गया सैलाब की वजह से, पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे भी पता नहीं है। मैंने ढूंढ की थी एक, वो पता नहीं कहाँ चली गई, वो पानी डालने वाली इधर थी ना एक, इतने हुई निगड़ी इस बंदे ने भाई सारी कुछ ये रुला दिया। कहाँ गई वो पता नहीं, वो पंखा भरने वाले जो 8 HP का जो हमारा डीजल है उसमें उस जो पानी डालेंगे ना, वो डमड़ा वमड़ा इसके पास है ही नहीं। तो देखते हैं, देसी दिमाग काम नहीं करता इन लोगों का, वो ढूंढ रहा है मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं जी मुझे भी फिर से काम में लगा दिया, ये कह रहे हैं कि अभी तुमने वो डमड़ा वमड़ा वो भी लेकर आना पड़ेगा। तो मुझे आज सारा दिन ये दौड़ाएंगे, आज मेरा जी ड्यूटी लग गई है। तो जो एक जो काका बंदा बैठा था ना, उसको आइडिया नहीं था कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, तो उसको आइडिया इतना ज़्यादा नहीं था, मैं ये डंडा पकड़ के बैठा हुआ था। उन्हें कहा कि थोड़ा वो सोच रहा था कर क्या रहा है ये बंदा, तो कहने दो यार उनको कहने दो, मैं जा रहा हूँ अभी जो डमड़ा उठाना है, पंखे में पानी डालना है। तो यहाँ पर देखें घास बहुत ज़्यादा हो गया है, घास इतना है ना, ऐसे ऐसे में 50 की स्पीड में जा रहा हूँ जी, अपने अपना ड्यूटी है वो तो करनी ही पड़े। गाड़ी स्लिप हो गई, ये चक्कर
ये ना यार होती है, ये ना गंदे लोग होते हैं ना, ये यार किसान के बच्चे नहीं होते, वो इस पूल के अंदर ना वाटर पंप के अंदर बॉस डाल देते हैं। इस वाटर कोर्स से पानी उठा रहे हैं तो ये डालेंगे इस पंप में। 8 HP का ये जो पुल है ये भराई कर रहे हैं, स्विमिंग पूल जैसा ये भराई होगा, फिर से डीजल इंजन होगा स्टार्ट। अभी 3 मंथ हो गए स्टार्ट नहीं किया, तो स्टार्ट होने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। लेकिन पानी आप देखें कितना ज़्यादा, जो गंदा पानी नहीं होता उसकी तरह हो गया, तो खेत के लिए ये इतना ज़्यादा मुनफिद नहीं है। फिर भी हमें थोड़ा बहुत पानी चाहिए, दो एकड़ जो दो कैनाल जो कह लें, जो दो कह लें तीन कह लें, उसके लिए हमें चाहिए। तो ये भाई साहब ना अभी भराई कर रहे हैं, फिर होगा हमारा डीजल इंजन स्टार्ट। कब वही भराई होगी ये कैसे दिदड़ा दे रही है। 4 बंदे लगे हुए, 4 बंदे इसको स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट नहीं होगी, कतई स्टार्ट नहीं होगी, ये नहीं होगी। बारिश की वजह से ये बहुत ज़्यादा जी जलील करेगी, मुझे पता है इसका, मुझे पता है, मैंने इसको 1 साल चलाया है, मुझे पता है। अभी देखना नहीं होगी, अन्य हल्की दी भाई ये दफ़ा, मुझे पता है। 4 बंदे ही स्टार्ट कर रहे हैं फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही। पता नहीं इसका, मुझे पता ही है। बहुत देखो ये तीन तीन दो दो बंदे लगे हुए हैं, क्योंकि अभी पानी बहुत ज़्यादा उड़ा रही है, इसकी वजह से दो दो बंदे ही लगे हुए हैं। क्या कर रहे हो? तो ये मिशन जी 3 मंथ के बाद स्टार्ट हुई है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ स्टार्ट हुई है। और पानी देखें जी, ये पानी है, अभी आपको पानी दिखाता हूँ कैसा पानी निकाल दूँ। ये बंदे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? हमारी वो पूरी जो है भराई चल रही है, पूरी जो है वो फुल चल रही है, क्योंकि अभी घास बहुत ज़्यादा हो गया, घास की वजह से जो भी इसमें जो पानी है घास की वजह से कम ही जा रहा है, तो पूरी जो पूल है वो भराई चल रही है। तो यहाँ पर देखें ये वाटर कोर्स पूरा फुल चल रहा है, यहाँ पर चेक करो, ये फुल चल रहा है, ये चेक करो जी। तो ऊपर से मशीन चल रही है, ये चेक करो जी, इस तरह तक बहुत ज़्यादा पानी है इसमें, चेक कर लो जी। तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी मैं जा रहा हूँ दवाई देने, वो ब्लॉग में कल दूंगा। तो आज की वीडियो भी ये आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।